थी मेरा डेसिमल्स है। डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल्स एक तरह का नंबर है जो डेसिमल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल हो, जैसे इन द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल्स फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। जैसे एग्जांपल्स में क्या गया, 6.8, 16.73, 7.364, कुछ भी और भी एक्स्ट्रा नंबर जिसमें पॉइंट हो, दैट वो क्या हो गया, डेसिमल हो गया। और डेसिमल का दो पार्ट होता है, एक तो एक हो गया होल नंबर पार्ट, दूसरा मेरा डेसिमल पार्ट। अब होल नंबर पार्ट मेरा क्या होता है, जो डेसिमल्स के पहले का जो पार्ट होता है वो मेरा होल नंबर पार्ट हो गया, और जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है वो मेरा डेसिमल पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे, लेफ्ट साइड जो होता है डेसिमल के, जो लेफ्ट साइड पॉइंट होता है वो मेरा हो जाएगा होल पार्ट, और जो राइट साइड पार्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 73.62, अब इसमें राइट साइड में मेरा क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है राइट साइड में, नहीं सॉरी लेफ्ट साइड में मेरा 73 दिया हुआ है, तो 73 लेफ्ट साइड में है, तो होल नंबर पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 73, और राइट साइड में मेरा क्या दिया हुआ है, 62, तो पॉइंट मतलब राइट साइड में 673 के लास्ट से उसके बाद क्या दिया हुआ, 0.62, तो 0.62 मेरा क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट हो जाएगा मेरा। फिर आ गया डेसिमल प्लेस क्या होता है। डेसिमल प्लेस क्या हो गया, डेसिमल्स डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डेसिमल्स प्लेस हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिवन द नंबर ऑफ डेसिमल्स, मतलब नंबर ऑफ डिजिट के डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिया हुआ है वो मेरा डेसिमल प्लेस बताते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे 5.74 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है। डेसिमल कितना प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल मेरा 8.536 दिया हुआ है, इसमें डेसिमल कितना प्लेस पे है, 3 प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस इसमें। अब डेसिमल हो गया, तो डेसिमल मेरा लाइक डेसिमल भी होता है, अनलाइक डेसिमल भी होता है। लाइक डेसिमल क्या हो जाएगा, जिसमें जितना डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और कॉल लाइक डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स के बाद मेरा जितना भी जो डेसिमल प्लेस होगा, अगर सारा डेसिमल प्लेस मेरा सेम होता है तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल। अगर डेसिमल प्लेस मेरा 3 दिया हुआ है तो 3 ही होगा, अगर 2 दिया हुआ है तो सब में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लाइक डेसिमल जब भी कंपेयर करेंगे तो 2 2 से एवर पे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6.73, 8.05, 19.68 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल्स पॉइंट जो भी है वो मेरा कितना है, 2 है। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो अगर हम यहाँ पे 2 3 कुछ भी नंबर लगाएं तो सबका क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल हो जाएगा, 3 है तो 3 करेंगे। और अगर मेरा अलग अलग दिया हुआ भी है, जैसे मेरा 4.2 दिया हुआ है, दूसरा मेरा 3.26 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो अनलाइक है, लेकिन इसको लाइक में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस मेरा 2 है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस मेरा 2 है। अब अनलाइक डेसिमल क्या हो गया, डेसिमल प्लेस जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल प्लेस मेरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी किसी में 1 है तो किसी में 2 है तो किसी में 3 है, वो सब मेरा क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5.3, फिर 8.64, फिर 10.023, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे फिर 3 डेसिमल प्लेस है, यानी ये सब क्या है, अलग अलग दिखा रहा है, डिफरेंट डेसिमल प्लेस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल हो जाएगा। और एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे कि कोई भी नंबर, अगर एक कोई भी 0 अगर हम लोग एक्सट्रीमली राइट में, मतलब डेसिमल पार्ट जो दिया हुआ है उसके मतलब तुरंत राइट में अगर हम कोई भी नंबर 0 बिठाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डेसिमल डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू चेंज है। जैसे यहाँ पे 3.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3.80 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3.800 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो, जितना ये है उतना ही ये भी है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 हम चाहे जितना भी 0 लगा दें वो मेरा क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। अब यहाँ पे 2.94 है, यहाँ पे 2.940 कर दिया, यहाँ पे 2.9400 दिया, ऐसे ही मेरा अगर हम लोग राइट साइड में एक्सट्रीमली डेसिमल के राइट साइड में अगर हम 0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू मेरा क्या होता है, चेंज नहीं होता। यहाँ पे नंबर अरेंज करने के लिए दिया है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करने दिया हुआ है, तो क्या अरेंज करेंगे, पहले जैसे प्लेस वैल्यू में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 10, 100 तो हो गया मेरा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, डेसिमल प्लेस जैसे 1, 10, 100, 1000 जितना भी इधर होगा वो,
अब फिर यहाँ पे बीच में डेसिमल पार्ट होगा, उसके बाद डेसिमल के पार्ट के बाद है लिखिए टेंथ लिखेंगे, क्योंकि वंस तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि टेंथ हो जाएगा मेरा वन बाई डेसिमल के, अगर कोई भी पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट भी रहता तो इसके नीचे अगर हम पॉइंट हटाते तो मेरा क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं, तो ये टेंथ पढ़ते हैं हम लोग इसको, टेंथ, फिर हंड्रेड आ जाएगा, फिर थाउजेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन है तो यहाँ थाउजेंड्स तक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हंड्रेड के प्लेस पे थ्री है, टेंस के प्लेस पे सेवन है, और फोर के प्ले वंस के प्लेस पे कितना है मेरा, फोर है। फिर यहाँ पे पॉइंट के डेसिमल के पार्ट पॉइंट की जगह पे पॉइंट दे दिए। फिर टेंथ की जगह पे मेरा क्या दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है। फिर हंड्रेड की जगह पे क्या दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है। फिर मेरा थाउजेंड्स के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, एट दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया ना, ये डेसिमल प्लेस प्लेस वैल्यू चार्ट ये मेरा हो गया।